गुड इवनिंग सभी दर्शकों का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बड़ी अजीब चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसको सुन करके देख करके आपको हंसी भी आएगी। भारतीय रेलवे नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। भारत में रेल ट्रैक्स का एक जाल सा बिछा हुआ है और सरकार अभी भी कोशिश में लगी हुई है कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा रेल कनेक्टिविटी हो। अपने इसी भावना के कारण अंग्रेज़ों के ज़माने से लेकर आज तक रेलवे देश की लाइफलाइन बना हुआ है। रोज़ाना मुसाफिरों को अपने ठिकाने तक पहुंचाने के साथ ऐसी जगहों तक पहुंचती है भारतीय रेलवे, ऐसे स्टेशंस तक जाती है जिन्हें जान करके सुन करके किसी की भी हंसी छूट जाएगी। तो आज हम आपको देश के कुछ ऐसे ही रेलवे स्टेशंस के बारे में बताएंगे जिनके नाम सुनते ही आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। राजस्थान में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है साली। साली रेलवे स्टेशन राजस्थान के जोधपुर ज़िले में डूडू नामक स्थान पर बना हुआ है। ये रेलवे स्टेशन उत्तर पश्चिम रेलवे से जुड़ा है और इस स्टेशन से अजमेर की दूरी लगभग 53 किलोमीटर है। दक्षिण भारत में एक रेलवे स्टेशन ऐसा है जिसका नाम सुनकर आपको हंसी आए बिना नहीं रहेगी और इसका नाम है बीबी नगर। ये रेलवे स्टेशन तेलंगाना राज्य के भुवनागिरी ज़िले में स्थित है और इसका नाम है बीबी नगर। इस स्टेशन से ज़्यादातर लोकल ट्रेनें चलती हैं जो कि फलकनुमा रेलवे स्टेशन तक जाती हैं। राजस्थान में ही एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है बाप। ये रेलवे स्टेशन जोधपुर में स्थित है और इस स्टेशन पर दो एक्सप्रेस ट्रेनें रुकती हैं और ये उत्तर पश्चिमी रेलवे में आता है। अगले रेलवे स्टेशन का नाम है काला बकरा। काला बकरा रेलवे स्टेशन जालंधर के एक गांव में पड़ता है। काला बकरा जगह गुरबचन सिंह के लिए बहुत मशहूर है। गुरबचन सिंह सैनिक थे जिसे ब्रिटिश काल में अंग्रेजी शासन ने सम्मानित किया था। अगले रेलवे स्टेशन का नाम है नाना और ये रेलवे स्टेशन भी राजस्थान में है। ये रेलवे स्टेशन सूबे को सिरोही पिंडवाड़ा नामक जगह पर बना हुआ है और यहाँ से सबसे करीबी बड़ा रेलवे स्टेशन उदयपुर है। राजस्थान में ही एक और रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है ओढ़निया चाचा, यानी ओढ़नी वाले चाचा। ये बड़ा मज़ेदार नाम है इसका, यात्री इस नाम को पढ़कर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और ये रेलवे स्टेशन समुद्र तल से 224 मीटर पर स्थित है। अजब गजब रेलवे स्टेशंस की लिस्ट में सबसे मज़ेदार नाम है बिल्ली जंक्शन। बिल्ली जंक्शन उत्तर प्रदेश में है। ये जंक्शन उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में स्थित है और यहाँ से गुजरने वाला हर अनजान यात्री इस स्टेशन का नाम देखकर बार बार बोर्ड पढ़ता है क्योंकि उसे इस स्टेशन के नाम पर यकीन नहीं होता है। यात्री इसका नाम पढ़ कर के हंस देते हैं। अगला रेलवे स्टेशन हरियाणा में है और इसका नाम है दीवाना। ये स्टेशन हरियाणा के पानीपत ज़िले में पड़ता है और इस स्टेशन का नाम पढ़कर लोगों के दिल में दीवानगी तो जाग ही जाती है क्योंकि इस स्टेशन का नाम है दीवाना। अब मैं आपको कुछ और रेलवे स्टेशन के नाम बताने जा रहा हूँ जिसका नाम सुनकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। पनौती। पनौती उत्तर प्रदेश में है। यूपी के चित्रकूट ज़िले में स्थित एक छोटा सा गांव है। गांव की कुल आबादी 2197 है और रेलवे स्टेशन का नाम है पनौती। ऐसे ही काला बकरा रेलवे स्टेशन जालंधर के एक गांव में है। काला बकरा के बारे में तो मैंने भी आपको पहले ही बताया है। पत्थरी से मतलब
किडनी में पाए जाने वाले पथरी या गॉल ब्लैडर में पाए जाने वाली पथरी से नहीं है। पथरी एक रेलवे स्टेशन है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसका नाम शरीर में पाए गए पत्थर के नाम पर नहीं, बल्कि ये महाराष्ट्र के प्रभानी जिले का एक छोटा सा शहर है। अमृतसर से देहरादून के लिए चलने वाली पैसेंजर ट्रेनें और एक्सप्रेस ट्रेन इस स्टेशन पर आती हैं। भैंसा रेलवे स्टेशन का जिक्र तो मैंने थंबनेल में ही कर दिया है। भैंसा रेलवे स्टेशन तेलंगाना में स्थित है। इस स्टेशन से ज़्यादा ट्रेनें नहीं गुजरती हैं। इसका नाम 50,000 की आबादी वाले तेलंगाना के निर्मल जिले में स्थित भैंसा शहर के नाम पर रखा गया है, यानी शहर का नाम भी भैंसा है। तो लीजिए साहब, भैंसा भी आ गया, बकरा भी आ गया और दारू भी आ गई। कमी केवल मुर्गे की है। दारू स्टेशन झारखंड। दारू वास्तव में झारखंड के हजारीबाग जिले का एक गांव है और स्टेशन का नाम इसी पर रखा गया है। और ऐसे ही अगला रेलवे स्टेशन झारखंड का है और उसका नाम है गांडे। झारखंड का एक और अजीब नाम आ रहा है। गांडे स्टेशन का निकटतम नाम गिरिडीह है। ये पारसनाथ की यात्रा के लिए प्रवेश द्वार के रूप में भी कार्य करता है। तो झारखंड के स्टेशन्स के तो बहुत ही अजीबोगरीब नाम है भाई। अगले रेलवे स्टेशन का नाम है सिंगापुर रोड स्टेशन ओडिशा। इस सिंगापुर की यात्रा के लिए आपको वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिंगापुर रोड स्टेशन ओडिशा में है। विभिन्न एक्सप्रेस ट्रेन इस स्टेशन को पार करती हैं और भारत के विभिन्न मार्गों की ओर चलती हैं। तो इस तरह से आपके लिए इस वीडियो में मैं भारतीय रेलवे स्टेशनों के अजब गजब नाम लेकर आया हूँ। आई होप आपको इस वीडियो को देखने में आनंद आया होगा, आपकी हंसी रुक नहीं रही होगी। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी हंसने का मौका मिले। हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।